हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं गीकी मोटर हेड। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, पीछे एक छोटी सी हिल है एंड हिल के ऊपर बहुत ही अच्छा गार्डन बना है। और इस जगह पे हम आए हैं अपनी एक गाड़ी का रिव्यू करने के लिए। ये है वैगनर LXi लेकिन ड्यू वेरिएंट। इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। और वैगनर भी एक अच्छी गाड़ी हो सकती है, फैमिली कार हो सकती है, वो भी मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये है इसकी चाबी, बहुत ही नॉर्मल चाबी है। इसमें कुछ पहले, क्योंकि ये 2012 वेरिएंट है, पेट्रोल वेरिएंट, बट इसमें कोई ऐसा स्मार्ट की वाला लॉक नहीं आता था, लेकिन उन्होंने इसमें एक एक्सटर्नल सेंटर लॉकिंग का बिठाया। ये है उसका रिमोट। तो चलो इसमें क्या स्पेशल चीज़ है वो दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है ड्यू वेरिएंट। तो ड्यू वेरिएंट एक था जिसमें कंपनी आपको कंपनी फिटेड LPG देती थी, CNG नहीं, LPG। और ये रहा उसका सिलेंडर, ये उसका LPG सिलेंडर है। सिलेंडर यहाँ होने की वजह से स्टेपनी यहाँ पे रखनी पड़ती थी, और यहाँ पे उसकी कंपनी से बैजिंग भी आती थी ड्यो की। ड्यो का मतलब वही रहता था जहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से कंपनी फिटेड LPG मिलता था। एंड ये है उसकी फीलिंग कैप, जो कि पेट्रोल के साइड में ही आती थी, जहाँ से आप LPG भर सकते हैं। तो ये बहुत ही सही चीज़ थी। एंड सबसे बड़ी बात, ये सिमिलर ही जैसे हमारा CNG ऑटो स्विच ऑटो टर्न ऑफ वाला रहता है, वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है। जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो गैस पे आ जाती है, एंड जब गैस ख़त्म हो जाता है तो पेट्रोल पे आ जाती है गाड़ी। तो चलो जल्दी से वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये इसका इंजन बे, इसमें सेम ही इंजन आता है जो है 1000 CC का 3 सिलेंडर इंजन, जो नॉर्मल वैगनर में आता है, और इसी में ही आपका LPG का भी सेटअप मिल जाता है। तो कंपनी फिटेड होने की वजह से आपको कहीं पे भी कुछ अलग से नहीं दिखाई देता, बट इंजन अभी भी वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल 1000 CC वैगनर का इंजन परफॉर्मेंस देता है पेट्रोल में। तो चलो अब हम इसके ना अभी थोड़ी देर बाद परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे कि कैसी है LPG पे भी एंड पेट्रोल पे भी। पेट्रोल पे तो सबको पता है ये मिनी रॉकेट होती है मारुति की गाड़ियाँ, बट LPG के लिए ही भी देखेंगे कैसा है। तो चलो मैं आपको क्विकली उसके इंटीरियर के बारे में बता देता हूँ। उसका इंटीरियर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सीटिंग स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में इसकी सीटिंग स्पेस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एंड अभी मैं इसके अपनी ड्राइविंग के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट है अभी मैं, और इसका अभी अदर इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। तो ये इसका टैकोमीटर नॉर्मल ही है, स्टीयरिंग व्हील पे कोई कंट्रोल्स नहीं आते थे। एंड ये इसका सिंपल सा म्यूजिक सिस्टम, AC के कंट्रोल्स, एंड नीचे यहाँ पे आपका मोड स्विच करने का, एंड यहाँ पे छोटा सा मिनी सा ग्लव बॉक्स है। एंड AC के जो फ्लो वेंट्स रहते थे वो कुछ इस तरीके से थे। तो यही थी बस। और यहाँ पे LPG का इंडिकेटर है, वो जो मैं आपको बाद में जब गाड़ी हम टेस्ट करने के लिए जाएंगे तब दिखा देता हूँ। तो चलो अभी जल्दी से पीछे की सीट पर बैठते हैं और देखते हैं कि कैसा स्पेस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ड्राइविंग सीट अपने पोजीशन के हिसाब से ही सेट किया था, तो मुझे ऑलमोस्ट इतना नी रूम मिल रहा है, और मेरी हाइट है अराउंड 5'8", तो उसके हिसाब से काफ़ी नी रूम मिलता है। 3 लोगों के लिए तो दिक्कत है, बट 2 लोग एंड एक बच्चा आराम से बैठ जाएगा। और इसमें हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं एडजस्टेबल वाले, बट सेंटर के लिए नहीं मिलता। और ये जो सीट है ये टंबल फोल्ड हो जाती है। तो इसके सीट जैसे मैं बता रहा था कि 60-40 में स्प्लिट भी हो जाते हैं, और यहाँ से आप आपका बूट भी एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हो। तो चलो जल्दी से अभी चला के देखते हैं। तो पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये हो गई गाड़ी स्टार्ट, एंड ये है इसके LPG का एंड पेट्रोल का लेवल इंडिकेटर्स। तो ऊपर वाला साइन है LPG का, जैसे एक सेकंड, हाँ, ऊपर से ग्रीन में जो है वो LPG है, नीचे वाला पेट्रोल का है। तो सेंटर से आप
मोड स्विच कर सकते हो पेट्रोल टू एलपीजी, एंड जब एलपीजी ख़त्म हो जाता है तो अपने आप पेट्रोल पे स्विच हो जाती है। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट है, सीट बेल्ट हमने लगा लिए है, तो चलो हम चला के देख ले कि कैसे चलती है ये एलपीजी पे एंड पेट्रोल पे। तो अभी एसी भी ऑन है, रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है इसलिए थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, एसी का ब्लोअर भी काफी नॉइज कर रहा है, इसे हम बंद कर देते हैं। गाड़ी अभी एलपीजी पे है एंड सेकंड गियर पे मैंने एक्सेलेरेट किया बहुत ही अच्छे तरीके से, कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा है नॉर्मल पेट्रोल के कंपैरिजन में भी। बस गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है तो थोड़ी सी बज रही है, जो कि ठीक है, 10 साल पुरानी गाड़ी है, 2012 का वेरिएंट है तो 10 साल हो चुके हैं, 5 साल बाकी है। एंड गाड़ी रूरल एरियाज में काफ़ी चलती है तो इसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ भी कर रही है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट जो इंजन है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली एलपीजी में। मैं तो अमेज रह गया क्योंकि थोड़ा सा कभी लगता है किसी इंजन में कि फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में हिकअप्स हो रहे हैं, बट वैसा यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी मैं थोड़ा सा पेट्रोल पे भी ट्राई कर लेता हूँ। तो ये हमने स्विच कर ली पेट्रोल पे, पेट्रोल पे तो क्या ही कहना, मक्खन चलती है ये। और इसकी रनिंग है अराउंड, अभी जो ओडोमीटर पे दिख रहा है 68,000 चल चुकी है, तो 68,000 के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है ये। पेट्रोल पे तो थर्ड गियर पे भी काफ़ी अच्छा पुल है। अगर परफॉर्मेंस की मैं कंपैरिजन बताऊँ पेट्रोल एंड एलपीजी का, मैं फिर से अभी एलपीजी में ट्राई करना चाहता हूँ। तो ये आगे एलपीजी में गाड़ी का स्पीड आपको दिख रहा होगा, वॉकिंग स्पीड में मैं सेकंड से उठा रहा हूँ। मैंने वॉकिंग स्पीड से सेकंड गियर पे ही उठाई, काफ़ी अच्छी तरीके से पिकअप ले लिया। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो गाड़ी अभी सेकंड गियर पे है एंड ऑलमोस्ट वॉकिंग स्पीड पे है, तो मैं यहाँ से एलपीजी में ही पिकअप चेक कर लेता हूँ। माइनर सा लैग है, 19-20 का फर्क है सिर्फ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बहुत ही लीनियर एक्सेलरेशन है। कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे पेट्रोल पे थर्ड गियर पे भी चल जाती है, वहाँ पे बस एलपीजी पे सेकंड गियर पे लगाना होता है, बट कंपेयर टू सीएनजी मुझे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस लगा इसमें। तो एलपीजी होने की वजह से इसमें माइलेज भी बहुत अच्छा आता है सीएनजी की तरह। वैसे सीएनजी की कंपैरिजन में इसका माइलेज थोड़ा कम रहता है, लेकिन सीएनजी की कंपैरिजन में इसका प्राइस भी कम होता है। तो आज की डेट में अगर एलपीजी का रेट जो कार के लिए यूज़ होता है वो है अराउंड 60-65 पर केजी का, एंड जो इसमें माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो 14.8 या 14.6 किलोमीटर पर केजी का आता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हाईवे पे 15 का मिल जाता है और सिटी में अराउंड 11 या 12 किलोमीटर्स का माइलेज मिल जाता है। तो ये भी बहुत सही चीज़ है क्योंकि पर किलोमीटर की कॉस्ट हम निकालें तो इसकी भी अराउंड सीएनजी जितनी ही आती है, अराउंड 3.5 से 4 या 3.5 से 4.5 रुपीज़ पर किलोमीटर की। बट इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि अगर सेम ही कॉस्ट आ रही है तो फिर सीएनजी क्यों नहीं लेना, एलपीजी क्यों नहीं लेना, क्योंकि अभी भी कुछ जो सिटीज़ है या और थोड़ी सी मिडिल साइज सिटीज़ है, थोड़ी स्मॉल स्केल सिटीज़ है, वहाँ पे अभी सीएनजी के इतने स्टेशंस नहीं है, लेकिन पुराना जो एलपीजी के सेटअप्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से अभी भी कंटिन्यू है और वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती और कॉस्ट भी सही मिल जाती है। तो सीएनजी की कंपैरिजन में एलपीजी की अभी इन सिटीज़ में
अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, जो कि मैं बात कर रहा हूँ नासिक सिटी की। यहाँ पे सीएनजी अभी एक्सपांड हो रहा है, लेकिन एलपीजी की काफ़ी ओईएम्स है, काफ़ी पंप्स है जहाँ पे एलपीजी काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो ये पेट्रोल के लिए बहुत ही अल्टरनेटिव था जब सीएनजी इतना फेमस नहीं था, और आज की डेट में भी ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसका मैंने पहले ही बताया कि अराउंड 3.5 से 4.5 रुपीज़ पर किलोमीटर का कॉस्ट आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो वैगनर की अगर सेफ्टी रेटिंग की हम बात करें तो इसकी सेफ्टी रेटिंग कुछ अच्छी नहीं है, सिर्फ 2 स्टार के आसपास इसकी सेफ्टी रेटिंग थी। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि एग्जांपल में के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे ये गाड़ी वैल्यूएबल है और वैल्यूएबल साबित भी है इस फैमिली के लिए। इसका रीज़न ये है कि इस गाड़ी की वजह से जो फैमिली पहले बाइक पर ट्रैवल करती थी वो अब एक 4 व्हील्स पर ट्रैवल कर रही है, तो बाइक में तो इससे कहीं ज़्यादा अनसेफ रहता है। तो कम से कम वहाँ से लेके ये लोग अभी ऐसी ये गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बाइक से तो सेफ्टी बढ़ ही रही है। एंड दूसरी बात, एलपीजी होने की वजह से जो सीएनजी की डिफ़िकल्टीज आती है, सीएनजी की अवेलेबिलिटी की डिफ़िकल्टीज आती है छोटे शहरों में, वो एलपीजी सॉल्व हो जाता है, एलपीजी की वजह से सॉल्व हो जाता है यहाँ पर, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। तो छोटी फैमिलीज़ के लिए एक कॉस्ट अफोर्डेबल बहुत ही अच्छी कार और वैल्यूएबल कार ये साबित होती है। हालांकि मैं जो कम सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ियां रहती हैं उनको प्रमोट नहीं करता, लेकिन हाँ कि केस टू केस ये वेरी भी होता है कि अपनी नीड के हिसाब से, अगर आप सिर्फ 2 व्हीलर से बस मूव करके 4 व्हीलर पे आना चाहते हैं तो ये गाड़ी भी कुछ ख़राब नहीं है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। तो यही था बस आज का हमारा वीडियो ऑन वैगनर LPG वेरियंट, कंपनी फिटेड LPG वेरियंट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता देना, तो हम आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।